और फाइनली अब वो टाइम आ गया था जब मैं अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन यानी कि जो मेरी बकेट लिस्ट में कब से थी मैं वहाँ जा रही थी। येस आई एम गोइंग टू खलिया टॉप। और ये थी मेरी फर्स्ट एंड लास्ट कोशिश वीडियो को अच्छा बनाने की, क्योंकि इसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं थोड़ा भी ऐसे आगे पीछे करके चलूँ। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड मोर देन नॉट मोर देन आई थिंक 2 किलोमीटर्स एंड still we are trekking and I'm very much tired right now and there are lots of people who are trekking also. It's not like that ki sab log aise akele hi ja rahe hain, there are lots of people. So abhi dekhte hain, matlab itni halat kharab bhi nahi yaar. If you want to go you can easily walk on this trek I guess. तो आई तो मैं थी सोलो ट्रैकिंग करने, बट वहाँ रास्ते में मुझे इतने सारे लोग मिले कि कब मेरी सोलो ट्रैकिंग ग्रुप ट्रैकिंग में कन्वर्ट हो गई मुझे पता ही नहीं चला। तो ट्रैक के टाइम पे ना मुझे एक बहुत प्यारी सी फैमिली मिली एंड आई होप कि आप ये वीडियो देख रहे होंगे। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना तो आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर बीइंग सो नाइस टू मी। और अब फाइनली वी आर अबाउट टू रीच, सिर्फ 800 मीटर बचा हुआ है। और अभी हमारी बात हुई एक भैया से, पीछे दिख रहा होगा, तो भैया ने बोला कि अभी आप लोग फटाफट फटाफट चले जाओ क्योंकि क्लाउड्स आ रहे हैं तो फिर आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा, मतलब जो पंचाचूली पीक है ना। सो मैं तो फटाफट आगे को बढ़ गई हूँ बिकॉज़ आई रियली वॉन्टेड टू सी यार, इतना आप चल के आए हो और फिर आपको कुछ ढंग से दिखाई ना दे तो वो तो नहीं, इसीलिए मैं आ गई हूँ। और मज़े आ रहे, वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस है, इट्स माय फर्स्ट टाइम कि मैं ऐसे ट्रैक कर रही हूँ, स्पेशली खलिया टॉप आई हूँ अपनी ही जगह। सो प्रीटी इंटरेस्टिंग एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई हैव रीच्ड हियर, क्योंकि मतलब एक बार प्लान थोड़ा सा ना ऐसा हो रहा था कि यार जा भी सकते नहीं भी जा सकते हैं, बट फाइनली मैं यहाँ पहुँची हूँ। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड हैप्पी। तो मुझे लगा ना ये जो बेस कैंप है यही खलिया टॉप है, बट बाद में जब लोगों से पूछा मैंने तो मुझे पता चला कि भैया अभी तो और चलना है, ये तो बस बेस कैंप है। फिर थोड़ी देर मैंने वहाँ पे रेस्ट किया और लोगों ने बताया कि इससे ऊपर जो है ना कहीं भी खाने की जगह नहीं है, आपको जो भी खाना है वो आपको यहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैंने फटाफट अपने लिए कुछ खाने का ऑर्डर करवा लिया था और यहाँ की जो सीनिक ब्यूटी है ना उसको देखकर ही मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई। वहाँ पे ठंडा ठंडा पानी आ रहा था, बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो हैं वो टेंट्स लगे हुए थे, वो जो पूरा व्यू था, वो जो पूरी वाइब थी ना, वही इतनी ज़्यादा प्योर लग रही थी, वही इतनी ज़्यादा पीसफुल फील हो रही थी। और उतने में मेरा पराठा आ गया और फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया और मैं आराम से बैठी, उस प्यारे से व्यू को मैंने इन्जॉय किया और अपना पराठा खाया जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो अभी जो मेरे साथ वाले थे ना, मतलब साथ वाले क्या, वहाँ पे जो एंट्री में मिले थे फैमिली थी, मैं उनके साथ ही आई हुई थी। तो अभी वो लोग जो हैं, मैंने भी पराठा वगैरह खा लिया, उन वो थोड़े ज़्यादा लोग थे तो उनका यू नो ऑर्डर आने में थोड़ा टाइम लग गया। तो मैंने सोचा क्यों ना तब तक अकेले अकेले मैं थोड़ा पैदल चल लेती हूँ। तो अभी थोड़ी सी सोलो ट्रैकिंग हो रही है मेरी और पीछे का व्यू कुछ है इस तरीके का है। चलो चलते हैं यार। मतलब सबसे हंसी या सबसे शॉकिंग ये लगता है कि आप सोचते हो आपने बहुत चल लिया, ठीक है, और आप कुछ डिस्टेंस पर आके देखते हो कि 1 किलोमीटर, ऐसा लगता है यार अभी तक सिर्फ 1 किलोमीटर ही चले। मुझे लगा था कि पहुंच गए बस यही है खलिया टॉप, बट पता चला कि ये तो बेस कैंप है। तो ये सुनने के बाद तो और हालत ख़राब हो गई, अभी बोल रहे हैं कि 2-3 किलोमीटर्स और है। तो चलते हैं, अभी रास्ते में कोई दिख तो नहीं रहा मुझे, फटाफट चला जाए। मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है ना, कोई आगे है
ना कोई पीछे, मतलब सब लोग काफ़ी आगे जा चुके हैं और कुछ लोग आ ही रहे हैं। मैं एकदम सोलो ट्रैकर बन के सोलो ट्रैकिंग कर रही हूँ अभी, लिटरली बहुत थकान हो गई है यार। इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतना चलने के बाद भी ये खलिया टॉप 3 किलोमीटर दिखा रहा है यार, इतना थक गए, हालत ख़राब हो गई है। कुछ टेढ़े मेढ़े ऊंचे नीचे रास्तों में चलने के बाद मैं फाइनली पहुंच गई थी बुग्याल, जो कि चारों ओर घास से भरा हुआ था। आई थिंक बुग्याल का मतलब ही ग्रीन ग्रासलैंड्स होते हैं। और मेरा कैमरा वाकई में ना जस्टिस नहीं कर पा रहा था इस चीज़ को जो मैं अपनी आंखों से देख रही थी। वो सारी चीज़ें इतनी सुंदर लग रही थी, वहाँ की वाइब इतनी पीसफुल थी, और जो सामने पंचाचूली की चोटी है ना, वहाँ से इतनी ठंडी ठंडी हवा जो है वो मेरे मुँह पर पड़ रही थी। अभी मैं बुग्याल तक पहुंच गई हूँ, बट अभी भी बोल रहे हैं कि काफ़ी चलना है। सो और बहुत ठंडा हो रहा है यार यहाँ पे। मैंने ऐसे एकदम हुड की कैप वगैरह डाल ली है, इतनी तेज़ और इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने अपना स्पीकर निकाला और मैं फिर गुनगुनाते गुनगुनाते जो है वो अपने रास्ते को कवर कर रही थी। बाय द वे, कॉपीराइट का इशू नहीं होता ना तो मैं ज़रूर इस गाने को डालती। आपको पता चल रहा है क्या मैं कौन सा गाना गा रही हूँ? अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि मैं कौन सा गाना गा रही हूँ। और जो हवा थी ना वहाँ पर, वो इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही थी। वो दिख रहा है, वहाँ से भी ऊपर जाना है, बहुत हालत ख़राब हो चुकी है। और अभी वो पूरा वो वाला पॉइंट जो है ना, वहाँ से भी नीचे हम वो पूरा क्रॉस करके आए हैं। इट लुक्स इजी बट इट्स नॉट। ये ट्रेल देख रहे हो, और लास्ट ये वाला दिख रहा है, ये वाला मैं यहाँ से आऊँ, भी लोग आ रहे हैं वहाँ से। इट्स गेटिंग टफर एंड टफर। तो आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो खलिया टॉप जा चुके होंगे और उन्हें ये वीडियो देख के लग रहा होगा कि यार ये बोल क्यों नहीं रही है कि ये खलिया टॉप पहुंच गई है और ये 0 पॉइंट जा रही है अभी। तो सच बताऊं तो मुझे पता नहीं चला कि मैं कब खलिया टॉप पहुंच गई, क्योंकि वहां पे ना ऐसे लिखा नहीं हुआ था। तो मुझे लगा कि अभी और मुझे खलिया टॉप जाना होगा, बट एक गाइड वाले भैया ने मुझे बताया कि मैम आपने खलिया टॉप क्रॉस कर दिया है, अब आप 0 पॉइंट की तरफ जा रही है। तो ये सुनकर ना मैं और भी ज़्यादा खुश हो गई। सो फाइनली इट्स ओनली 1 किलोमीटर लेफ्ट एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी। अगेन आई हैव टू गो टू द खलिया टॉप ऑल्सो, बट नो 0 पॉइंट ऑल्सो, बट फॉर नाउ आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई हैव मेड इट यार, आई हैव मेड इट टू द खलिया टॉप। लुक एट द फॉग। सो राइट नाउ दे आर टेलिंग अस टू नॉट स्पीक बिकॉज इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी एंड वी आर एट द हाइट ऑफ अबाउट मोर देन 4000 मीटर। आई एम स्टिल टॉकिंग जस्ट टू टेल यू ऑल गाइज। सो बाय द वे आई जस्ट फॉरगॉट, आई जस्ट थॉट आई हैव रीच टू द खलिया टॉप, आई मीन आई जस्ट थॉट कि आई हैव टू रीच टू द खलिया टॉप, बट आई हैव मेड इट टू देयर। सो राइट नाउ आई एम going to 0 point. It's not even a path, we are just climbing left side. और फाइनली अब मुझे 0 पॉइंट थोड़ा अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा था और मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी वहाँ पे पहुँचने के लिए। काफ़ी लोग 0 पॉइंट पहुँच चुके थे और काफ़ी लोग अभी भी चल के ट्रैक करके 0 पॉइंट आ रहे थे। और मैं 0 पॉइंट जैसे ही पहुँची, मुझे इतना रिलीफ मिला, आई डोंट थिंक सो कि वो जो फीलिंग थी ना, मैं उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस कर पाऊंगी। और वहाँ पर एक प्यारा सा मंदिर भी था और ये हूँ मैं। मेरी शक्ल देख के आप बता सकते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा एग्जॉस्टेड दिखाई दे रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। हाय, भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो वहाँ पे लोग जो है ना, वो फ्लैग के साथ पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। और न जाने उस वक्त मेरे अंदर कहाँ से इतनी एनर्जी आई कि मैंने भी जोर जोर से भारत माता की जय के नारे लगाए।
तो ये जो मंदिर है ना आप यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने पत्थर चढ़ाए हुए हैं। तो मेरे आगे जो लोग जा रहे थे ना, उन्होंने यहाँ पे पत्थर चढ़ाया, तो उन्हें देखकर मैंने भी पत्थर चढ़ा लिया। और मैंने उनसे पूछा कि आप लोग जो है वो यहाँ पे पत्थर क्यों चढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे रीज़न बताया कि ऐसा माना जाता है यहाँ पे अगर आप ऐसे पत्थर चढ़ाते हो तो जो भी नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पे वो सारी जो है वो दूर हो जाती है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग बात थी जो मुझे वहाँ पे उस दिन पता चली। मैंने सोचा कि क्यों ना ये बात मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और जैसे ही मैंने बोला कि ये रुक चुके हैं, वैसे ही थोड़ा नीचे आके बारिश स्टार्ट, और छींटे भी दिख रहे होंगे मेरे फुट पे, बहुत ठंडा है और यहाँ बहुत ज़्यादा। एंड फाइनली वी हैव रीच्ड टू द बेस कैंप। इतनी राहत मिल रही है, पर अभी भी यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रैक करना है हमें। तो मेरा बहुत ज़्यादा मैगी खाने का मन कर रहा था, तो नीचे पहुँचते ही मैंने सबसे पहले अपने लिए एक मैगी ऑर्डर कराई। तो फटाफट मैगी खाने के बाद मैं ऐसे नीचे की तरफ जाने लग गई मैं, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। और नीचे जाने में भी ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी, पैरों में बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हो रहा था, और ऐसे करके जो सामान है ना वो घोड़ों पर ऊपर ले जाया जाता है। फाइनली जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं वापस पहुँच गए, ऊपर सब एक्साइटेड हो गए देख के। और बेस्ट पार्ट ये है कि जो आप कूड़ा लेके आते हो वो आप वापस दोगे तो आपको रुपए मिलते हैं, ऐसे कुछ बोल रहे थे। ये थी लोकेशन और यहाँ से अंदर जाना था। सो फाइनली आई हैव रीच्ड टू मुंशारी, और मेरी शक्ल देख के लग ही गया होगा कि मेरी कितनी हालत ख़राब हुई आज। पूरे कपड़े मतलब शूज़ तो वाइट शूज़ में स्निकर्स पहन के गई थी, मतलब स्पोर्ट शूज़ टाइप के हैं, इतने गंदे हुए हैं ना। और प्लस क्या है, मेरे फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहा है, तो फ़ोन वगैरह करने की भी बहुत दिक्कत हो रही है। जियो के बिल्कुल टावर्स ही नहीं है यार, एक ये मतलब एक तो सिग्नल होगी जिससे मैं फ़ोन कर सकूँ घर पे, कुछ भी नहीं है ऐसा। और ठंडा तो मत पूछो, मतलब स्टोरी बताती हूँ मैं आपको आगे की, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब। जस्ट मैं ये जो एक्सपीरियंस वाला पार्ट है ना वाली वीडियो ही शूट कर रही थी, बिकॉज समहाउ उस टाइम पे मुझे यू नो टाइम नहीं मिल पाया मैं एक्सपीरियंस वाला पार्ट शेयर कर सकूँ। बट हो क्या रहा ना कि जो एक्सपीरियंस वाला पार्ट है वो 11 मिनट से भी ज़्यादा हो जा रहा है, और अगर मैं उसको इस वीडियो के साथ ऐड करूँगी तो बहुत सारे लोगों के लिए वो बोरिंग हो सकता है। तो मैं सोच रही हूँ कि कभी उसको किसी और वीडियो में मैं यू नो दोबारा से शूट करके प्रेजेंट करूँगी आप सब लोगों के सामने। और अगर आप इस वीडियो के यहाँ तक पहुँच चुके हो तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत यू नो थोड़ी सी तो पसंद आई होगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।